7, 12, K over here. 3, 4. Never skip leg day. वैसे भी men's physique. men's physique वाले कर सकते हैं. अब वैसे भी men's physique के rule change हो गए हैं. इतनी shorts पहननी पड़ेगी thigh दिखाने के लिए. जो लोग सोच रहे थे ना पतली सी टांग लेके पहुंच जाएंगे. नहीं भाई, अब नहीं चलेगा. What's up guys, स्वागत आप लोगों का रोड टू अमेचर ओलंपिया के एपिसोड नंबर 5 में. बीमार हूँ भाइयों, पर डाइट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा. आपने पिछला एपिसोड भी देखा होगा, मेरा गला खराब था. अब क्या हो गया, कफ इतना जम गया, गले में दर्द हो गया, जुकाम होगा, खांसी होगी, पर डाइट कम नहीं करी जा रही मुझसे. क्योंकि मेरे को ये है कि मेरा वेट मुश्किल से 90 किलो के पार पहुंचा है, वो कम ना हो जाए. तो ये तो होता है भाई, जब भी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बीमार ना पड़ जाऊँ. जो लोग जिम जाते हैं, जो प्रोग्रेस करते हैं, जब भी वो बीमार होते होंगे वो सोचते होंगे कि यार क्यों हुआ ये. तो लोग वही समझ सकते हैं जो जिम जाते हैं. फिलहाल एक गर्म गर्म ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ. पिछले 3-4 दिन से मैं प्री वर्कआउट भी नहीं पी रहा था, बट आज बॉडी में थोड़ी लो एनर्जी है और मैं नहीं चाहता आज का वर्कआउट मेरा थोड़ा सा भी कम हो. आज मैं अपनी बॉडी को एकदम ऐसा कर देना चाहता हूँ कि मतलब बीमारी पड़ जाए मेरी बॉडी. मेरे को इतना ज़्यादा बढ़िया वर्कआउट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को चक्कर आ जाए. क्योंकि मेरे को उस तरीके की वर्कआउट की ना आदत सी लग चुकी है. अगर मैं थोड़ा सा भी हल्का वर्कआउट कर देता हूँ ना, मन नहीं करता फिर वर्कआउट करना. तो भाइयों वर्कआउट करने निकल रहे हैं. बाकी जिम का माहौल देखो. आप लोगों को पता है भाइयों, कल हमारे जिम में 2000 मेंबर कंप्लीट हुए हैं. ये इंडिया का पहला जिम है जिसने एक साल के अंदर 2000 मेंबर कंप्लीट किया. और मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा, हमेशा बोलता हूँ दिल से बहुत सारा प्यार भाइयों. देख लो लिफ्ट लगी हुई है, पर लिफ्ट से जाना ही नहीं. इतनी मेहनत कर लेते हैं तो जिन्ना उतरना कौन सी बड़ी बात होगी. और आज तो वैसे भी आज कौन सा डे है, आज है बैक डे. तो भाइयों पहुंच गए हैं जिम में, अब कार खड़ी करके निकलते हैं. वाकई यार इस बार तैयारी नहीं कर रहा हूं मैं, और रिजल्ट भी आ रहे हैं. लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, आप लोग बोल रहे हो कि रिजल्ट बहुत तगड़े आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अंदर से है ना सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा भी नहीं हो रहा. पहले थोड़े से रिजल्ट आ जाते थे ना, ये होता था वाह 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 वाह. अभी इतनी लीन बॉडी में 90 किलो पार चला गया हूँ. और बाकी आज आप लोगों को मैं अपनी बैक दिखाऊंगा. आपने मेरी बैक बहुत टाइम से देखी नहीं है कैसी हो रखी है, और मेरी बैक ही मेरा बॉडी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है. तो बताना कमेंट में कैसी हो रखी है. बाकी चलते हैं वर्कआउट करने. तो वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज करेंगे हम बारबेल बेंट ओवर रो. अच्छा ठीक है सर, आज बैक है और रियर है और इतने सारे पार्ट देख लेना बाड़ा के. नु कह रहा है इतनी एक्सरसाइज कौन कराया करे. ये रहा सर, मैं देख के ही करता हूँ. कल मैंने स्किप कर दिया था तो आज ये कर रहा हूँ. अच्छा, ट्यूसडे वाला. लेग्स, नेवर स्किप लेग डे. वैसे भी मेंस फिजिक अब वैसे भी मेंस फिजिक के रूल चेंज हो गए हैं. इतनी शॉर्ट्स पहननी पड़ेगी थाई दिखाने के लिए. जो लोग सोच रहे थे ना पतली सी टांग लेके पहुंच जाएंगे, नहीं भाई अब नहीं चलेगा. मेरी रहेगी नहीं पतली है पता मेरे को. 60 अकेला मारू आता है 5 में, और आपको ये 4 में मार दिया. 4 में करेंगे, चलो 4 में यार. 60 पुलअप्स. प्री वर्कआउट भाई चढ़ गया है. मैं बोल रहा था कि मैं पी के बताऊंगा कैसा फील हो रहा है. तो मेरे पास दो ऑप्शन थे. डॉक्टर चॉइस ने अपनी नई सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है ड्रैको सीरीज. ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनको बजट के अंदर बढ़िया सप्लीमेंट्स चाहिए. तो ये दोनों प्री वर्कआउट मेरे को मिल गए थे. आज मैंने जो प्री वर्कआउट यूज़ किया है वो है ड्रैको पावर. ये उन लोगों के लिए है जिनको एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट चाहिए, जो थोड़े प्रोफेशनल हो, जिनको वर्कआउट करते करते कुछ साल हो चुके हैं. ये है इनका ड्रैको पंप. ये उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा खुजली नहीं चाहिए बॉडी में, एक नॉर्मल प्री वर्कआउट चाहिए सिर्फ पंप के लिए. तो आज मैंने ड्रैको पावर यूज़ किया था, बहुत बढ़िया फील हो रहा है. बाकी वर्कआउट करते हुए आपको दिख जाएगा कि पंप कैसा आ रहा है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना. डॉक्टर चॉइस की नई ड्रैको सीरीज के ये प्री वर्कआउट दोनों बजट के अंदर आते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
चेक कर लेना, और फ्लेवर बहुत बढ़िया है, पीने के बाद होता है। ठीक है, लव यू ऑल। आज हमारा गोल है 60 पुलअप्स को 5 सेट में कंप्लीट करना। पिछले सेट में हमारी रेपिटेशन निकली थी 14 के आसपास, अब की बार हम ट्राई करेंगे कि 15 और निकाल दूंगे, क्योंकि आज का टारगेट है, मुकेश सर ने तो बोला 4 सेट में 60 लगाने हैं, पर मुझे पता है 5 तो मिनिमम लगेंगे मेरे को, कितना भी मैं उनके से लगा लूँ इस सेट के ऊपर डिपेंड है। बैक करिए भाई, सब देखो कैसा हो रहा है, इतना बच चुका ना भाई, सब सो सब हटने को हो रहा है बिना करे, इतने बैक देख लो तुम्हारे पास। ऐसे करने भी फील हो रही है बैक का, हिलने में इतनी पंप हो गई है। अगर आप आगे सारी लगा दी फिर कितना तो लगाऊंगा भागते भागते देखो पता कैसा दर्द हो रहा मेरे को भी, मुकेश ने सेट कराया था, जैसे कह रहे हो तकीकल से रनिंग करने जाएंगे और बहुत भाग लेते हैं, यहाँ नहीं दर्द हो जाता, समझे कुलदीप? अगर जैसे मैं बोल दूँ आपको कि चलो दौड़ मारने चलते हैं, आपने मारी नहीं, बहुत दिन बाद मार रही, यहाँ दर्द नहीं हो जाता भाग के, वैसा दर्द हो गया भाई। ये पेन की है ना आदत सी लगी मेरे को, मजा नहीं आता इसके बिना, मुझे पता बहुत दर्द होता कई बार, पर मेरे को पता है वो सेटिस्फेक्शन है ना आफ्टर वर्कआउट, अंदर ऐसे आता हूँ वाह मजा आ गया। चले
भाई सब जितना हो गया सर मेरा अब बैक स्टोर्स वी चेस एंड लीडिंग अस एंड लव इज ऑल वी विल एवर ट्रस्ट नो आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लेफ्ट माइंड मसल बहुत बढ़िया लग रहा है मतलब खुल जाती है मंडे से आप इस पर आ जाएंगे कटिंग पे हां जब खड़ा होता हूँ ना तो ऐसे लगता है लीन है बॉडी और जब बैठता हूँ ना तो लगता है यार बहुत फिट आ गया ठीक ही है कंट्रोल में अभी तो भाइयों बैक में बताना आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है पहले से और कैसी लग रही है अपना ओपन अपना ओनेस्ट ओपिनियन भाइयों का स्टार्ट करें एक्सरसाइज टी बार से नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे हाथ इतने भर गए थे ना पिछले सेट में मेरे को बैक वाला जो दर्द है ना वो फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी बैक ट्रेन हो रही है सारा दर्द बाइसेप्स और जब बाइसेप्स भर गए फोर आर्म फटने हो गए थे मैं सोच रहा था मेरा हाथ फटना जाए पर पंप वी वर्कआउट फॉर पंप स्ट्रेंथ पास लाइक कर दो इसी बात पे या दस दस की आज एक और चीज़ सीखी मैंने सर से कि जब रेस्ट ले रहे हो तो रेस्ट करो नहीं तो मसल को अगर एक्टिव रखोगे ना फिर अगला सेट अच्छे से होता नहीं इसलिए मेरे चिनअप्स में रेस्ट लेके चार सेट में 60 रेपिटेशन निकल गई नहीं तो निकलती नहीं नॉर्मली क्यों सेट मारा सर भी वापस से अपना सही कंडीशन में आ गए गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट तो अच्छा खाओ बहुत बातें हो गई अब सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व छः हो गए चार पांच और बढ़ा दो
सारा दम लगा देता हूँ भाई सेट में। गो हार्ड और गो होम, इसके बाद घर ही जाना है। चल दस, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ऊपर खड़ा हो, ऊपर लिया, चलो छः, पूरा मेरे साथ, दो, तीन, चार, पाँच, लगा लगा दो, छः, एक लास्ट है, होल्ड कर, चल होल्ड कर, चल एक दो लास्ट है, चल तीन चार पांच लगा दे दो रैप, बस ठीक है, एकदम बढ़िया सेट ब्रदर। इस दर्द में जो फील है ना बहुत डिफरेंट है, चक्कर आ गए तो बात अलग, पर उससे पहले मन नहीं करता रखने का, तो चक्कर आने नहीं। हाँ कमर से अब करेंगे भाई वो पेसफुल, फिर अपना वर्कआउट खत्म आ चुका। दो घंटे हो गए रेस्ट, वही दो मिनट रहता है वर्कआउट करते हुए, बढ़िया वर्कआउट हुआ, एट द एंड सेटिस्फाई हूँ मैं आज के वर्कआउट से, यहाँ अच्छा लगा मेरे को। इस एक्सरसाइज में हमारा मेन फोकस होता है कि अगर किसी को मसल टेंशन नहीं आ रही है ना रियर डेल्ट पे, मैंने बहुत टाइम बाद खुद पर देखा है कि जब हम ऐसे बाइसेप्स का पोज मारेंगे ना इसमें, कि अंगूठे की साइड बाहर, ये वाला हिस्सा बाहर और बाइसेप्स, तब आएगा प्रॉपर रियर डेल्ट में। ये मैंने बहुत अलग अलग तरीके से करके देखा है ऐसे बाइसेप्स। फैट है, मुकेश सर ने एक तरीका बताया था मेरे को एब्स ट्रेन करने का, उसमें क्या होता है कि जब कोई पीछे से हाथ लगाता है ना कमर पे, तो हमारी जो कमर है ना हिलती नहीं, जिससे कि मसल टेंशन बहुत बढ़िया आती है। इतनी गेनिंग में पहली बार ऐसे एब्स दिख रहे हैं भाइयों। आपने सर यहाँ मेरे एक बात बोल दी फिजिक वाली रोड में, तो वो दिमाग के अंदर आज का वर्कआउट हमारा बहुत अच्छा था, अभी अभी जस्ट मैंने रील डाली है वर्कआउट करते हुए, तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पर तुम्हारा भाई तगड़ा होता जा रहा है, वहीं पर ज़्यादा अपडेट आती है। अब बात करते हैं आज के वर्कआउट के फीडबैक की, कैसा वर्कआउट था आज। तो बेसिकली ऑब्वियसली मैं सोच के गया था बहुत बढ़िया वर्कआउट होगा, स्टार्ट किया हमने नॉर्मल से कि मैं अकेला कर रहा था, पहले मैंने वो रोइंग मारी, फिर मुकेश सर ने जब बोला कि 60 रेपिटेशन मारनी है मेरे को चिनअप्स की, तो मैंने चार सेट के अंदर निकाल दी, जो कि पहली बार मैंने किया, मतलब ठीक है मैंने थोड़ी प्रोग्रेस तो की, क्योंकि चार सेट में मैंने 60 रेप कभी नहीं निकाले, और
हमारे दो तीन एक्सरसाइज बहुत बढ़िया गई, खासकर एब्स की, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने लैग पुल डाउन करी, ड्रॉप सेट, बहुत बढ़िया, फटने को हो गए थे हाथ, बहुत कम फीलिंग आती है ऐसी। और जो हमने टी बार किया, टी बार में मेरे दिमाग में है ना ये चीज हट गई थी कि मेरे को रखनी है, और ये चीज मैं फील कर रहा था, क्योंकि जब मुकेश सर ने कराना स्टार्ट किया तो मैंने मारे 12 रैप, मुकेश सर ने बोला कि और बढ़ा दूं, फिर मारे मैंने 16 रैप, मुकेश सर ने बोला और बढ़ा दूं, फिर मैंने मारे 20 रैप, और जब मैंने अकेले बैठ मतलब मैं देख रहा था, मुकेश सर मेरे को देख रहे हैं कि मैं कितने रेपिटेशन निकाल लूंगा, लिटरली 17-18 होने के बाद है ना 80 किलो आराम से होगा, 80-90 किलो, मतलब देख लेना आप वीडियो में जितना था, बहुत भारी वेट था, पर मेरे ऐसे अंदर से चला गया था कि मैं रखूंगा वेट, वो तो एक टाइम पे आके हो जाता है कि अब रख ही दूं, पर उस टाइम भी मैं और भी रेपिटेशन मार सकता था अगर थोड़ा और पुश मिलता तो, बहुत बढ़िया आज वर्कआउट रहा, और ऐसे ही पुश करना खुद को, आप भी भाइयों बढ़िया वर्कआउट करो, चाहे मन करे या ना करे जिम जाओ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जिम में जाओगे ना, ठीक है, मोटिवेशन नहीं भी होगी ना, जब आप अच्छा वर्कआउट कर लोगे तो आप खुद को ऐसे फील करोगे कि हाँ चलो मैं बढ़िया है, मैंने वर्कआउट निकाल दिया, क्योंकि मोटिवेशन क्या है भाई, देखो जब मैं सुबह से, मेरी बॉडी इतनी थकी हुई थी कि मेरा मन भी नहीं था कि आज मैं वर्कआउट करूँ, मैं बीमार फील कर रहा था, पर धीरे धीरे हाँ यार वर्कआउट का टाइम होने वाला है, फिर नहावा के अपना बाल वाल कटवा के फिर जब जिम में पहुंचा, दिमाग में घुस गया कि हाँ आज बढ़िया वर्कआउट करना है, क्योंकि 3-4 दिन मैं घर पे गया हुआ था, एक वो दिमाग में रहता है कि यार आज तो करना ही करना है, फिर जैसे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, और वर्कआउट के बीच में मेरी बॉडी फटने को होगी थी, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में था आज बढ़िया वर्कआउट करना है, मोटिवेशन हो या ना हो, ठीक है भाई, बढ़िया पंप, अब लेंगे बढ़िया मील अपनी। प्री वर्कआउट अच्छा था भाई आज का, एक नया प्री वर्कआउट ट्राई किया, नहीं तो लगातार वही प्री वर्कआउट ट्राई कर रहा था जो पहले से करता था, आज डॉक्टर चॉइस का मैंने सोचा नई सीरीज लॉन्च हुई है, चलो वो ट्राई कर लेते हैं, बढ़िया था। चलो अब चल रहे हैं भाई घर पे, बाकी भाई वो बात कर लेते क्वेश्चन आंसर की, पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, किसी भाई ने पूछा था अपने कि बेस्ट मील क्या होगी मसल गेनिंग के लिए, तो या तो उसमें अंडा होना चाहिए मील में, या चिकन होना चाहिए, या पनीर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, चावल, आलू, शकरकंदी और ओट्स, अगर इन में से आप कुछ भी कॉम्बिनेशन मिला के ले रहे हो प्रोटीन का, तो वो बेस्ट मील होगी मसल गेनिंग के लिए। और भाइयों अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में अपने किसी एक भाई के क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। ये था भाइयों रोड टू अमेचर ओलंपिया का एपिसोड नंबर 5, मिलते हैं भाइयों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर दो भाई सब्सक्राइब, भाई मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे भाई को कि जब इतना सपोर्ट आता है, मन करता है कि फाड़ दूं बीच में से, तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द नॉट पीस गेंस।